हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सैम्पलिंग टाइप्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल पढ़ा था। उससे पहले हमने सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़ा था और साथ साथ सैम्पलिंग थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग रह गया है, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो सैम्पलिंग थ्योरम में क्या होता है कि कोई हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है जिसे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम किसी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं एक इम्पल्स ट्रेन के साथ और सैम्पल प्रोसेस करके हमें आउटपुट में एक सैम्पल सिग्नल मिलता है जो कि हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। तो ये हमने अब तक पढ़ चुके हैं इसमें। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग टाइप्स। हम इसमें तीन टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा आइडियल सैम्पलिंग, सेकंड है हमारा नेचुरल सैम्पलिंग एंड द थर्ड इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ये तीन तरह के सैम्पलिंग प्रोसेस हैं, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडियल सैम्पलिंग से। आइडियल सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जीरो विथ होती है, मतलब इसमें विथ जो है वो होती ही नहीं है आइडियल सैम्पलिंग के अंदर। ये फर्स्ट है हमारा। तो आइडियल सैम्पलिंग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है यूज करती है इंपल्स ट्रेन, यूज इम्पल्स ट्रेन, और जो विथ होती है इसमें वो हमारी ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक डायग्राम देखें तो वी कैन से दैट हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल है, सपोज एम्प्टी, इसको हमने मल्टीप्लाई करा एक इम्पल्स ट्रेन के साथ। सपोज इम्पल्स ट्रेन है हमारी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है हमारी डेल्टी। तो हमारे पास आउटपुट आएगा सैम्पल्ड सिग्नल कुछ इस तरह से। ये है हमारे पास सैम्पल्ड सिग्नल। वी कैन सी दैट इट इज अ मैसेज सिग्नल, इट इज ए इम्पल्स ट्रेन एंड इट इज ए सैम्पल्ड सिग्नल जो कि हमारे पास एसटी है। ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली यूज। प्रैक्टिकली यूज एंड द रीजन इज विथ ऑफ इंपल्स ट्रेन, इंपल्स सिग्नल इज जीरो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइडियल सैम्पलिंग में हम इम्पल्स ट्रेन यूज़ करते हैं, यहाँ हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं इम्पल्स ट्रेन के साथ और आउटपुट पे हमें सैम्पल सिग्नल मिल जाता है। बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली यूज, क्योंकि विथ जो होती है इम्पल्स सिग्नल की वो ज़ीरो होती है, इसीलिए हम आइडियल सैम्पलिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें और भी इसके रीजन्स हैं, वो भी हम बता देते हैं यहाँ पे। तो आइडियल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो सैम्पल सिग्नल है, सैम्पल सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम्प्टी एंड डेल्टी। सैम्पल सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैसेज सिग्नल एम्प्टी एंड इम्पल्स ट्रेन डेल्टी। ठीक है, ये हम जानते हैं। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ ईच इम्पल्स इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, और सैम्पलिंग रेट इज इनफाइनाइट।
सैम्पलिंग रेट इज इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इज लार्ज। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। बैंडविड्थ इज लार्ज, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है। ड्यूरेशन भी बता दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ ईच इम्पल्स इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, सैम्पल रेट इज इनफाइनाइट, सैम्पल रेट जो है वो इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इज लार्ज। अब इसमें इसकी जो इम्पल्स सिग्नल है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है आपकी ड्यू टू नैरो सैंपल ट्रांसमिटेड, नैरो सिंपल ट्रांसमिटेड पावर इज वेरी स्मॉल, सिग्नल टू नॉइस। ठीक है, रेशियो इज लो। सेकेंड इसी में कंटिन्यू है, दस सैंपल पल्सेस मे गेट लॉस्ट, इसी कारण सैंपल पल्सेस जो है वो लॉस्ट हो जाती है, मे गेट लॉस्ट। ये मैं आपको यहां पे इसलिए बता रही हूं ताकि आपके इसके नोट्स भी तैयार हो जाए। इन द बैकग्राउंड नॉइस, इन द बैकग्राउंड नॉइस। इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ड्यू टू नैरो सैंपल ट्रांसमिटेड पावर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि विड्थ कम है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज लो, दस सैंपल पल्स में गेट लॉस्ट इन द बैकग्राउंड नॉइस। इसी कारण सैंपल पल्स जो है वो लॉस हो जाता है इन द बैकग्राउंड नॉइस। एंड द सेकेंड इज नो आइडियल फिल्टर अवेलेबल, कोई आइडियल फिल्टर अवेलेबल नहीं है, नो आइडियल फिल्टर अवेलेबल टू कट ऑफ सिग्नल, टू कट ऑफ सिग्नल। दिस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज कि कोई आइडियल फिल्टर अवेलेबल ही नहीं होता है इसमें टू कट ऑफ द सिग्नल, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये तो है आपका आइडियल सैम्पलिंग, सेकेंड है आपका नेचुरल सैम्पलिंग, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल सैम्पलिंग क्या होता है। सेकेंड इज नेचुरल सैम्पलिंग। अब जो नेचुरल सैम्पलिंग है इसमें जो विथ है, आइडियल सैम्पलिंग में जीरो विथ थी बट इसमें कुछ ना कुछ विथ होती है। सपोज हमारे पास कुछ पल्सेस हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इनकी ड्यूरेशन क्या है और इनकी ड्यूरेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये तो है हमारे पास टाओ, ये विथ है जो है टाओ है, एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज टी एस। सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड हमारे पास टी एस है बिटवीन टू पल्सेस। एक पल्स की जो विथ है वो टाओ से रिप्रेजेंट किया है हमने, और टाइम पीरियड बिटवीन टू पल्सेस इज टी एस, ठीक है। और यहाँ कुछ ना कुछ विथ हमारे पास होती है नेचुरल सैम्पलिंग में। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियल सैम्पलिंग में विथ जीरो थी बट नेचुरल सैम्पलिंग में कुछ ना कुछ विथ है। ये हमारे पास टाइम पीरियड बिटवीन टू पल्सेस है, उसको हमने टी एस से रिप्रेजेंट करा है। देन इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल है एम टी, इस तरह कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कोई इम्पल्स ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, इम्पल्स ट्रेन को हमने सी टी से डिनोट करा है क्योंकि इम्पल्स ट्रेन है, तो इसे इम्पल्स फॉर्म में बना देते हैं कुछ इस तरह से।
ये हमारे पास बेस बैंड सिग्नल है. बेस बैंड सिग्नल जो होता है वो कोई मैसेज सिग्नल होता है, तो वी कैन से दैट इट इज अ मैसेज सिग्नल. ये हमारे पास इंपल्स ट्रेन है, दिस इज एन इंपल्स ट्रेन एंड दिस इज अ बेस बैंड सिग्नल. ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पर हमारे पास सैम्पल सिग्नल आएगा जिसको हमने एसटी से डिनोट करा है. तो एसटी हमारे पास है एमटी मल्टीप्लाई विद सीटी. ये हमारे पास सैम्पल सिग्नल है, या हम कह सकते हैं नेचुरली सैम्पल सिग्नल है. इट इज अ नेचुरली सैम्पल्ड सिग्नल. अब ये जो नेचुरली सैम्पल सिग्नल आ रहा है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा. ये कर्व्ड शेप में होगा टॉप से. लाइक दिस. सो वी कैन से दैट इट इज अ नेचुरली सैम्पल सिग्नल. ठीक है, अब बात ये आती है कि इन पल्सेस का टॉप जो है वो कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है. मतलब मैसेज जो है वो आपका जो सिग्नल है उसके एनवलप को फॉलो कर रहा है. मतलब यहाँ पे मैसेज सिग्नल जो है वो आपका आप ये भी कह सकते हैं, पहले तो आपको ये समझना है कि जो सैम्पल सिग्नल है वो मल्टीप्लिकेशन है मैसेज सिग्नल और इम्पल्स ट्रेन का, इसे मैं रफ कर देती हूँ. और हम ये कह सकते हैं इन पल्सेस का टॉप जो है वो कर्व्ड है. इट मीन्स मैसेज सिग्नल एनवलप ऑफ मैसेज सिग्नल इट फॉलोज द एनवलप ऑफ मैसेज सिग्नल. ऐसे लिख लीजिए, लिखिए ही मत रहने दीजिए, बस इतना याद रखिए कि ये जो है ये इट फॉलोज द एनवलप ऑफ मैसेज सिग्नल. सो दिस इज अबाउट द नेचुरल सैम्पलिंग. इसमें कुछ ना कुछ विथ आपकी प्रेजेंट है यहाँ पर. और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो पल्स है, पल्सेस डू नॉट फॉलो, पल्सेस डू नॉट हैव फ्लैट टॉप्स, जो कि हमें दिख ही रहा है क्योंकि वो कर्व्ड हैं, बट देयर टॉप्स फॉलो द वेवफॉर्म ऑफ एम्प्टी. द वेवफॉर्म ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी इज मैसेज सिग्नल. ये तो रहा नेचुरल सैम्पलिंग. अब साथ साथ इसमें इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं, जिन्हें हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स नाम से बताया है. नीचे मैंने यहाँ पर ये बताया कि पल्सेस डू नॉट हैव फ्लैट टॉप्स बट देयर टॉप्स फॉलो द वेव फॉर्म्स ऑफ एम्प्टी. चलिए फिर इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं. तो जो फर्स्ट मेरिट है वो है फर्स्ट मेरिट, आप ये कह लीजिए वो क्या है आपकी, कि इसके अंदर जो है वो जनरेशन ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग. वी कैन से दैट जनरेशन ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग इज इजी, बहुत इजी इजी मेरिट्स हैं इसकी. ये आपको याद रखने में बहुत आसान है. ये मैं साथ साथ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप याद रख सके, अपने नोट्स बना सकते हैं. देन सेकेंड है इसकी प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर कैन बी यूज्ड. प्रैक्टिकल हम लो पास फिल्टर इसके अंदर यूज कर सकते हैं. अब इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट इसकी डीमेरिट है कि इसके अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ सैम्पल्ड पल्स इज वेरिंग. एम्पलीट्यूड जो है सैम्पल्ड पल्स का वो वेरी करेगा, पल्स इज वेरिंग.
एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स जो है वो है कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी, टी जनरेशन क्रॉस टॉक इज इंड्यूस्ड, क्रॉस टॉक इज इंट्रोड्यूस्ड। तो मतलब इसकी जो मेरिट्स हैं वो हैं कि जनरेशन ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग इज इजी, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर कैन बी यूज्ड। डीमेरिट्स हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सैम्पल पल्स इज वेरिंग, दूसरी है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी क्रॉस टॉक इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम टी यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे तो इसमें क्रॉस टॉक इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। थर्ड देख लेते हैं सैम्पलिंग, जिसका नाम है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। एंड द थर्ड सैम्पलिंग इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। एक्चुअली फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जो है इसमें हमारे पास ऊपर टॉप पर जो शेप आएगी सिग्नल की वो कर्व नहीं होगी, वो फ्लैट होगी, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। सो वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड of sampled pulses are constant। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो waveform आएगी output पर, sampled signal जो आएगा उसमें flat wave मिलेगी, यानी कि जो amplitude है sampled pulses का top पर वो constant होगा। amplitude of sampled pulses are constant। तो ये है इसका flat top sampling का मतलब यहाँ पे यूज़। और यहाँ पे हम सैम्पल एंड होल्ड सर्किट यूज़ करते हैं। सैम्पल एंड होल्ड सर्किट मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, वो अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, बस आप फिलहाल इसमें इतना याद रखिए। और साथ साथ हम अगर हम इसमें ये कहें कि हमारे पास सपोज़ कोई मैसेज सिग्नल है एम्प्टी इस तरह से, और अगर इस मैसेज सिग्नल में हम इम्पल्स ट्रेन जो कि पल्सेस की फॉर्म में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के ऐसे पल्सेस हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट पर सिग्नल आएगा वो फ्लैट टॉप में आएगा कुछ इस तरीके से। एस टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैसेज सिग्नल इनटू इम्पल्स ट्रेन, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आने वाला है लाइक दिस। ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट टॉप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब फ्लैट टॉप है, कर्व नहीं है, इट इज अ फ्लैट टॉप, ठीक है। तो वी कैन से दैट ये हमारे पास बेस बैंड सिग्नल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये हमारे पास इम्पल्स ट्रेन है और ये हमारे पास फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है। और इसको हम सैम्पलिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, इट इज अ सैम्पलिंग सिग्नल, ठीक है। अब यहां पे हियर पल्सेस आर फ्लैट, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है कि पल्सेस जो हैं वो हमारी यहां पर फ्लैट हैं। अब इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है सैम्पल सिग्नल का वो कॉन्स्टेंट है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये आपका बहुत ही इजी है, इजी भी कह सकते हैं, और यू कैन सी दैट बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशो होता है इसमें, बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशो, ठीक है। एंड द सेकेंड मेरिट इज कि जनरेशन ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज इजी। एंड द थर्ड इज प्रैक्टिकल फिल्टर कैन बी यूज्ड,
प्रैक्टिकल फिल्टर जो है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं. एंड द डीमेरिट इज जो डीमेरिट है वो ये है कि इसमें अपर्चर इफेक्ट होता है. अपर्चर इफेक्ट क्योंकि कोर्स में नहीं है तो उसे समझने की भी जरूरत नहीं है. इसमें पहले ये देख लीजिए कि मेरिट क्या है. मेरिट है कि बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जनरेशन ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज इजी, प्रैक्टिकल फिल्टर कैन बी यूज्ड. दीज आर दी मेरिट्स. एंड डीमेरिट इज अपर्चर इफेक्ट. इसमें हम अपर्चर इफेक्ट को यूज करते हैं वो इसकी एक डिसएडवांटेज है. एपर्चर इफेक्ट में क्या होता है, हायर फ्रिक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड का एटीन्यूएशन हो जाता है. इससे ज़्यादा अभी आपको इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना ही है. जितना सिलेबस में है AKTU सिलेबस में हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहे हैं. सो आज हम लोगों ने सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़ा. इसमें हमने आइडियल सैम्पलिंग पढ़ी, नेचुरल सैम्पलिंग पढ़ी और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग पढ़ी. हमने देखा कि आइडियल सैम्पलिंग में जो है विथ ज़ीरो होती है, नेचुरल सैम्पलिंग में कुछ ना कुछ विथ होती है, बट जो आउटपुट आता है सैम्पल सिग्नल आता है वो कर्व्ड आता है टॉप पर, और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में जो आउटपुट आता है वो टॉप पर फ्लैट आता है जैसा कि इसका नाम बता रहा है. साथ साथ हमने इनकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी जिसे हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स बोला. तो ये था हमारा सैम्पलिंग टाइप्स जिसमें हमने तीन तरह की सैम्पलिंग को डिस्कस करा है, आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैम्पलिंग थ्योरम डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं. और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है कि मतलब किसी में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि जैसे आपको सैम्पलिंग प्रीवियस लेक्चर का भी अगर नहीं समझ में आया कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. और अगर इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.